हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ में अपनी जो लास्ट रिपोर्ट है वो शेयर करने जा रही हूँ। इसके बाद भी एक स्कैन हुआ था पर उसकी रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, और ये मेरे पास मेरी लास्ट रिपोर्ट है, लास्ट मंथ की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तो वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और ये मेरी हुई थी 37 वीक्स एंड 1 डे हो गया था तब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो ये उसी की रिपोर्ट है। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ मेरी रिपोर्ट, बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मेरी जो लास्ट रिपोर्ट थी वो कैसे आई हुई थी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये मेरी जो लास्ट जो सोनोग्राफ हुआ था उसकी रिपोर्ट है, तो ये देख लीजिए, इसमें जो हार्ट रेट है 147 BPM है और एमनियोटिक फ्लूड एडुकेट है। कभी कभी क्या होता है ना, एमनियोटिक फ्लूड जो होता है ना वो कम हो जाता है, तो जिससे कि बच्चे को जो बोलते नहीं पानी की कमी हो गई तो डिलीवरी करानी पड़ती है, तो ये वही होता है। और यहाँ पे नो ऑब्वियस ग्रोस फेटल अबनॉर्मिलिटी इज आइडेंटिफाइड इन द प्रेजेंट फेटल पोजिशन, नो कार्ड सीन अराउंड द नेक एट द टाइम ऑफ स्कैन। लास्ट टाइम में ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे के गले में जो बोलते नहीं कार्ड फंस गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है और कोई अबनॉर्मिलिटी नहीं दिख रही थी। और द प्लेसेंटा इज एंटीरियर इन पोजिशन एंड नॉर्मल इन, तो ये जो प्लेसेंटा है ये भी एंटीरियर पोजीशन में था और सर्विकल लेंथ भी पर्याप्त थी। और इसके बाद जो है ये सारा BPD हेड सर्कमफेरेंस ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और देखिए ना, मेरा जो LMP के अकॉर्डिंग हो गया था 42 वीक्स एंड 2 डेज, लेकिन जो USG के अकॉर्डिंग 37 वीक चल रहा था मेरा, और इस्टीमेट डिलीवरी डेट मेरी 28 जुलाई आई हुई थी इसमें। और इसके बाद तो ये थी मेरी लास्ट रिपोर्ट। तो ये है इसका अल्ट्रासाउंड, दो मिले थे मुझे, एक ये है और एक ये। तो इसमें तो कुछ है नहीं, बस नीचे कर लिया था शायद उसी चीज का है। तो ये थी मेरी लास्ट रिपोर्ट। इसके बाद मेरे पास कोई भी रिपोर्ट अवेलेबल है नहीं। इसके बाद भी स्कैन हुआ था हॉस्पिटल में, तो वो रिपोर्ट मुझे मिली नहीं। जब डिलीवरी का टाइम होता है तो 27 जुलाई को मेरी डिलीवरी हुई थी और सी सेक्शन से हुई थी, तो उस दिन भी दिन में 1 बजे के अराउंड मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया था, स्कैन हुआ था, तो वो रिपोर्ट ना मिली नहीं मुझे, तो इस वजह से वो है नहीं। तो जो लास्ट स्कैन होता है वो वहीं हॉस्पिटल में डिलीवरी से पहले होता ही है सभी का। तो ये सारी मेरी रिपोर्ट्स थी, मैंने अपने सारी रिपोर्ट्स आप सबके साथ में शेयर कर दी हैं। ये जो लास्ट रह गई थी ये भी आज मैंने शेयर कर दी हैं। और आगे बाइकोनेट यूट्रस या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप सभी को के लिए मैं लाती रहूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।